अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लर्न प्लम्बिंग बाय AK और मैं हूं अली इकबाल। आज एक और छोटी सी वीडियो के साथ, तो मुझे लगा ठीक है यार, इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बना दी। ठीक है, चलें ये मैं आगे आपको जो भी दिखा रहा हूं ना, इसके बारे में बाद में बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। ये भी काम जो है ना थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा, अब जिस पर मैं खड़ा हूँ ना, ये गटर है, ठीक है, देख रहे हैं आप, तो ये गटर है, ठीक है। वो जो है ना पहला स्टेप है, ठीक है। ये वो टैंकियाँ नहीं जो होती हैं जो आजकल आ रही हैं, तो वहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तीसरी टैंकी यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात कौन सी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा जब भी काम हम करते हैं ना, आप करें या मैं करूँ, तो हमें अक्सर मसला आ जाता है ढलान का, ठीक है। तो ढलान के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये पाइप देख रहे हैं आप, ये गटर में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से होता हुआ ये देखें आप, ठीक है। ये पाइप जो है ना, ये वाला पाइप, हाँ, ये वाला पाइप जो है ना, ये नीचे है, ठीक है, बिल्कुल नीचे है, देख रहे हैं आप। तो आगे अब मसला है ढलान का, ठीक है। अच्छा, पहले तो ढलान जो थी ना, वो देख रहे हैं उधर पाइप है जो, ठीक है, ये वाला पाइप जो है, ठीक है, इससे ढलान ले के इस तरफ पानी आ रहा था, ठीक है, इस तरफ पानी आ रहा था, और आगे ये पानी इधर जा रहा है, देख रहे हैं आप, नाली बनी हुई है, थोड़ा मतलब गंद पड़ा हुआ है इधर, तो ये इन्होंने ख़त्म करवाना है, ठीक है। यहाँ पे ये भैंसे वगैरह बांधते हैं ना इस दरख्त के नीचे, तो इसीलिए यहाँ से पानी का सिस्टम इन्होंने ख़त्म करवाना है, तो इन्होंने ये पाइप डलवाया है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से ना हमें जो पाइप है थोड़ा नीचे करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन आपने सारा हिसाब किताब लगा लेना है कि अगर कल को मतलब गलियाँ जो है ना ऊँची भी हो जाती हैं, ठीक है, सड़कें ऊँची हो जाती हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसका पानी, ठीक है, ये गटर का पानी है, और ये मेरे ख्याल से घर का पानी आ रहा है, जो घर का फर्श होता है ना, जो हाल होता है, उसका पानी इसमें से आ रहा है। और ये जो है ना अंदर जो भी वाशरूम है ना, ये उसका 3 का पाइप है, ये वो वाला पानी आ रहा है। और ये जिसकी साकट बनी हुई है ना, ये 4 का पाइप है, ये गटर का पाइप है, ठीक है, ये अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर 3 पानी है, ठीक है, ये वाला, ये गटर का, और ये वाला, ये इसी पाइप में जाएंगे, ठीक है। वो जो आ गया हमारा पाइप है ना, उसमें जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बजरी वगैरह अच्छे से, बजरी तो नहीं, ठीक, थोड़ा सख्त सीमेंट बनाएंगे हम, यहाँ पे उसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी, बाकी तो इतना कोई ख़ास काम नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी भैंसें वगैरह, तो ये जो है ना, इसको हमने अंदर से लगाया यहाँ से, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ से। अब यहाँ पर इनका जो मतलब के जो अंदर का जो भी है ना, वो इस पाइप में आएगा, तो इस पाइप में आएगा, ठीक है। ये प्लग एल्बो है, इसे खोल के आप ना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये टी हो गई। मैं चाहता तो 1 में भी रख सकता था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टी छोड़ देता, लेकिन अंदर से गंदगी आएगी ना, तो उसकी वजह से वो हर जगह पर फैलेगी। तो ये यहाँ पर ना फर्श वगैरह वो बनाएंगे, ठीक है, जिसे वो क्या कहते हैं, खुरा कहते हैं, मुझे बाकी का नहीं पता। तो ये जो है ना, ये हमारी टी है। अब यहाँ पे फर्श बनेगा तो पानी सारा इसी में जाएगा, अंदर से जो इनकी गंदगी पेशाब वगैरह जो है ना, वो इसमें आएगा, ठीक है। और ये बैंड है, बैंड लगाना है आपने, देखें ना, बैंड में और एल्बो में इतना फ़र्क होता है, ठीक है। तो भाई बैंड आप 10 भी लगा लें, मसला नहीं है, लेकिन एल्बो 2 भी लगाएँगे ना, तो मसला हो सकता है, ठीक है। सो बैंड नहीं लगाना आपने, ठीक है, बैंड नहीं लगाना। और ये दुर्मट कहते हैं इसे, हम तो यहाँ दुर्मट कहते हैं, वहाँ आप इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इससे ना भैया हम लोग ये वाला काम करते हैं, ठीक है, कुटाई वाला, ठीक है। तो अच्छे से कूट लेना है आपने इसे, ठीक है, जगह को आपने बिठा लेना है ताकि कोई मसला ना हो। वैसे तो हम पता करते क्या हैं, जिस तरह ये फर्श भी बना हुआ, जैसे ही PVC डालते हैं ना, ये ईंटें हैं, ठीक है। तो अब जो कि यहाँ पे जगह इस तरह की है, तो ये इसी तरह नज़र आएंगी आपको। नीचे पैड़ा बना के ना वगैरह जो भी है, ईंटों का फर्श लगा के उसके ऊपर हम PVC पाइप रखते हैं, या फिर इतनी गुंजाइश रखते हैं जो कि इसमें हमने रखी है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये नीचे से जो है ना, मतलब जगह खाली है, नीचे बजरी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी कुटाई की है हमने, और ये बस थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है, ठीक है। ये देखें, 2 काम आपने करने हैं, या नीचे बजरी आ जाए, ठीक है, बिल्कुल मतलब जगह इसके ऊपर आपने कोशिश करें कि इसके ऊपर पाइप ना रखें, या नीचे बजरी आ जाए आपकी,
ठीक है, आपने मसाला वगैरह इस पे जो भी डालना है वो नीचे भी आ जाए, ऊपर भी आ जाए और दोनों साइडों पे भी आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना, मतलब कि मिट्टी पे आपने इसको नहीं रखना, ठीक हो गया। अगर मिट्टी पे रखेंगे तो पाइपलाइन जो है ना उसके बैठने का जो है ना वो ज़्यादा ख़तरा होता है। चार की टी, तीन चार की टी प्लग एल्बो, ठीक है, ये बेंड है क्योंकि सारा पानी इसी में आएगा, तो टी भी इसके नज़दीक हमने इसीलिए छोड़ी है ताकि अपना जो है ना हमारा अगर कल को यहाँ पे हम राइडिंग करते हैं तो वो राइडिंग आसानी से हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।